ये तो बहुत बड़ा यार्ड है, ये गाड़ी यही होनी चाहिए, ऐसा ना गाड़ी घूम गई हो। वो इसने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना पार्किंग वाले ने? What's up guys, how are you all? I hope you all having fun. So, अभी दिन की शुरुआत हमने कर दी बहुत ज़्यादा लेट और अभी हो रहा है ऑलमोस्ट एक, तो एक बज गया सूरत सर पे। और मुझे एकदम याद आया कि पंकज की गाड़ी जो है ना वो हमने सामने पार्किंग में लगाई हुई थी, तो एक बार जाके चेक कर लेते हैं वहाँ पे है भी कि नहीं है। कुछ मार्केट जाए कुछ सामान लेके आना है, तो गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, मतलब मुझे लग रहा है आहा कैसे जाएंगे यार। मैंने मेरे को मना भी कर रहा था कि यार इसमें जाने का कोई फ़ायदा है नहीं अभी। और बाप रे बाप, अंदर का टेम्परेचर वुड बी लाइक 50 डिग्रीज, 50 डिग्री कम से कम होगा। और मैं सोच रहा हूँ इसको ना स्टार्ट कर देते हैं और सामने जाके पार्किंग में ज़रा उसी गाड़ी दिखाते हैं पंकज वाली कि कैसी पार्क है। मुझे कह रहा था दा जाके एक बार देख लेना कि वहाँ गाड़ी पार्क है भी कि नहीं है ढंग से। तो और शीशे कर देते थोड़े थोड़े नीचे ताकि जो है ना जितनी गर्माहट है सब निकल जाए। एक बार ना सोच रहा हूँ बैग यहाँ छोड़ के नहीं जाएंगे क्योंकि गाड़ी स्टार्ट है और बैग के अंदर बड़ा गोप्रो, तो बैग को ले जाते हैं साथ। सो इसलिए क्या ना पंकज गया था वैष्णो देवी और पंकज इज़ कमिंग बैक, मेरे ख्याल आज वापस आ जाएगा। तो मुझे अलग ही लेवल का काम पकड़ा दिया उसने। और ये हमारी सोसाइटी की पार्किंग है ना, सारी सारी गाड़ियाँ ऑलरेडी पार्क है, तो पंकज वाली गाड़ी अंदर पार्क हो नहीं सकती क्योंकि एक ही गाड़ी पार्क हो सकती है, एक से ज़्यादा पार्क हो नहीं सकती। और पार्किंग बिल्कुल सामने ही है, ये तो बहुत बड़ा यार्ड है। ये जो पूरी पार्किंग है ना ये सारे रीबिल्ड हो रही है, तो यहाँ सब टाइल्स वाइल लग जाएंगी तो थोड़ा सॉर्टेड हो जाएगा, अभी तक बहुत गंदा था। देख रहे हो गड्ढे वड्ढे इतने ज़्यादा हैं, ये सब आ गया सामान ना, क्योंकि बादल बहुत मस्त है। कितना बढ़िया मौसम लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कैमरा में अच्छा आता है लेकिन वैसे रियल टाइम में देखो ना बहुत गर्मी है। गाड़ी एक बार हमें सर्च करनी पड़ेगी कि गाड़ी है कहाँ पर, क्योंकि गाड़ी मुझे दिख नहीं रही, इतनी सारी गाड़ियों में ढूंढना इज़ लाइक रियली टिपिकल मैन। He has I-20 और उसका नंबर है आई थिंक 9000। तो यहाँ तो मुझे कोई I-20 नज़र आ नहीं रही है, एक बार जाके एक बार और सर्च करते हैं थोड़ा सा ज़्यादा, ये गाड़ी यहीं होनी चाहिए, ऐसा ना गाड़ी घूम गई हो। हाँ ये रही, मिल गई। तो ठीक है गाड़ी आई थिंक यहाँ पे प्रॉपरली पार्कड है, यही है पंकज जी वाली गाड़ी। और ठीक है भाई बंद है, तो गाड़ी एकदम सॉलिड है, गाड़ी पार्क्ड है यार, मिल गई गाड़ी। तो बस गाड़ी ढूंढने का मैं सोच रहा था कि एक बार तो चेक करना चाहिए कि गाड़ी है भी कि नहीं है, क्योंकि ये पार्किंग वाले वो गाड़ी दो ना तो ऐसा हो सकता है कि कोई इधर उधर घुमा रहा हो, तो उससे बचाने के लिए मुझे लगा कि एक बार ढूंढ आते हैं कि गाड़ी प्रॉपरली पार्क्ड है कि नहीं है। और यहाँ प्रॉपरली पार्क्ड है, अभी यहाँ से निकलते हैं। गर्मी भाई अभी स्टार्ट हो गई है, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग मुझे ना, मतलब इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होने लगी है कि मुझे लग रहा है वापस जाऊँगा ना तो सब नहाया धोया सब खराब हो जाएगा। तो आई थिंक गाड़ी अभी तक ठंडी हो गई होगी, एक बारी गाड़ी में बैग रखते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से। इट्स बीन लाइक सो लेट, अभी टाइम हो गया ऑलमोस्ट डेट, मतलब डेट बज चुका है। और अभी दोपहर का जो है ना वो पंकज विल कम बैक और तब देखते हैं कि क्या प्लान है, क्योंकि अब वो हमारे साथ रुकेगा हमारे साथ नहीं रुकेगा, बिकॉज उसको वापस भी जाना हो सकता है बैक टू रुड़की और बैक टू गुड़गांव, क्योंकि हम लोगों का शाम का कुछ प्लान है किसी के यहाँ जाने का। सो वी हैव ऑलरेडी अ प्लान डिनर, तो हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा, तो आई एम नॉट श्योर कि पंकज विल बी एबल टू अकंपनी अस और नॉट, बट अगर वो नहीं कर पाया तो इधर ही विल स्टे हेयर ओनली और ही विल गो बैक टू रुड़की और गुड़गांव। सो आई लेट यू नो इन बिटवीन। अरे यार हाँ जी हाँ जी, इधर ही जाना होता है आंटी जी, बाहर रखा रास्ता यहीं से है, तुम्हें यहीं जाना होता है। आंटी कह रही है यहाँ जाना है या यहाँ जाना है, क्या बोल रहे हो यार। हाय गॉड साहब थैंक यू। तो पंकज का कहना कितना बढ़िया है, मतलब मैंने उसको बोला था कि जब तू दर्शन करके आ जाएगा ना ऊपर से नीचे, मतलब उसे दो दिन लगे होंगे, तो मैंने उसे बोला कि नीचे आकर ना थोड़ा सा बढ़िया मतलब मसाज वसाज करवा लेना। तो वहाँ बहुत अच्छी मसाज हो जाती है पता है आपको, अगर आप पैदल जाते हो ना ऊपर वैष्णो देवी और वहाँ से नीचे आते हो तो थोड़ी मतलब चढ़ने उतरने में थोड़ी सी थकावट हो जाती है, तो वहाँ पे ना आपको मसाज वाले मिल जाते हैं, तो वहाँ बढ़िया मसाज कराओ और यू ऑलवेज फील वेरी रिलैक्स, बड़ा मज़ा आता है मतलब वहाँ पे। मैं एक ही बार गया हूँ वैष्णो देवी, तो मैंने बोला है तो मसाज करा के आ थोड़ा सा रिलैक्स फील करेगा, तो शायद वो गया था शायद खच्चर वच्चर से लेकिन आया शायद पैदल है, आई डोंट नो, अभी उससे जब वो आ जाएगा तो बात हो जाएगी। तो बढ़िया मसाज करा लिया मैंने, अब तो आराम से रिलैक्स करके आना और अभी वो पहुँचेगा तो देखते हैं कि क्या कर पाएंगे। और हाँ इन सितंबर मिड
सितंबर मिड 15, 16, 17 हम लोगों को जाना था कराबी, मतलब हम लोगों को मतलब मुझे अपने ऑफिस की तरफ से कराबी जाना था, लेकिन अभी उन्होंने क्या कर दिया ना, उसको चेंज कर दिया। उन्होंने बोला कि हम आपको इंटरनेशनली नहीं लेके जा सकते, हम आपको लेके जाएंगे बेंगलोर। ह्यूज डिफरेंस कराबी एंड बेंगलोर, बट ठीक है कोई बात नहीं, अब बेंगलोर लेके जाएंगे तो वो भी ठीक है, और वहाँ पे विल हैव सम गुड स्टे इन JW Marriott, विल हैव सम फन। और बेंगलोर में मेरे दो तीन फ्रेंड्स हैं, दो तीन रिलेटिव्स हैं, तो वो भी कह रहे हैं कि अगर आप आओगे तो हमें बता देना, विल प्लान समथिंग, विल हैव सम गुड फन, विल हैव सम गुड यू नो नाइट आउट पार्टीज एंड ऑल दैट। तो अभी देखते हैं, वहाँ पे जरा उनसे बात करेंगे, उसके बाद समझ में आएगा कि ऐसा हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सो अभी आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट ऐसा हो सकता है कि बहुत जल्दी हो जाए। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यार रिलेटेड टू माई व्लॉग्स, कि मैं ये देख रहा हूँ कि व्लॉग्स ना बहुत ज़्यादा रीच नहीं हो रही यार। उन्होंने मेरे व्लॉग्स की रीच क्यों नहीं है, क्या मैं बहुत ही क्रिंज कंटेंट बना रहा हूँ? शायद गंदा घटिया चल जा रहा है यार, मतलब हमारे वाला चल ही नहीं रहा। तो मैंने सोचा कि चलो हो सकता है कि मेरे YouTube ब्लॉगिंग की जो फ्रिक्वेंसी है थोड़ी सी कम हो, तो मैंने उसको थोड़ा सेट कर दिया। मतलब आई हैव प्लान टू अपलोड 2 व्लॉग्स, यू नो, 1 ऑन सैटरडे 1 ऑन संडे, तो वो तो वीकेंड वाला हो गया, और एक व्लॉग जो है वो मैं पोस्ट करूंगा ऑन वेडनेसडे, ठीक है, जो कि वीक के मिड में पड़ता है। तो एक वेडनेसडे हो गया, एक सैटरडे एक संडे, आई होप दैट वुड वर्क, क्योंकि थोड़ा सा कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, लोगों को पता रहना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो ट्रैवल तो मैं नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज यू नो आई एम अ बैंकर बाय प्रोफेशन, तो मुझे काम भी है, तो मैं तो जॉब भी करता हूँ, तो जॉब के साथ साथ जितना कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ। बट यू नो वैसा नहीं कि मैं बाहर निकल गया, गाड़ी लेके गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, बहुत लग्जरी सब कुछ हो गया है, बहुत बड़ा बड़ा कुछ दिखाया जा रहा है, भाई देखो वैसा है ही नहीं, तो मैं दिखाऊंगा क्यों? अभी जो है वो यही है। सबसे अच्छी चीज़ थी मेरे पास स्कॉर्पियो, वो भी मैंने बेच दी, क्योंकि वो थी BS4, तो वो नहीं चल पा रही थी, मैंने बेच दिया उसको। तो इतना ही है यार, गाड़ी कहाँ लगाऊँ यार, ठीक है ना। तो फालतू मतलब यार जो है ही नहीं यार, उसको कैसे दिखा पाओगे आप जबरदस्ती, तो वो तो नहीं हो पाएगा। तो जो हो सकता है भाई वही दिखा रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ, बट आई ऑलवेज ट्राई टू यू नो गिव यू समथिंग गुड। तो मैं कभी कभी बाहर ट्रैवल भी करता हूँ, उसको मैं रिकॉर्ड करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता रिकॉर्ड, बट यू नो अभी थोड़ा सा ऐसा हो गया कि यार वो मौका मिलता ही नहीं है, तो वो रिकॉर्ड होता ही नहीं है, तो चैनल चलता ही नहीं है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा डाल देते हैं लगातार, और अगर आप तक ये व्लॉग पहुँच गया, आप ये देख रहे हो, तो जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन एंड पुश द बेल नोटिफिकेशन, ताकि जितने भी वीडियोज हैं आपके पास लगातार आती रहे। तो अभी पहुँच गए, सामान ले लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से वापस घर की तरफ, क्योंकि गर्मी भाई बहुत ज़्यादा है। और ये ऑरेंज क्या बोलते हैं, किनू क्या, ये माल्टा है ना, ये 2 माल्टा कर देना था, और 2-3 पीस सेव कर देना। फ्रूट्स बढ़िया मिल जाते हैं यहाँ पे ना, दिस इज द बेस्ट वन, और ये हमारी मार्केट जहाँ पे हमेशा आता हूँ, और ये इसकी शॉप है। तो सामान सारा ले लिया, और एक आधी चीज़ और देख लेता हूँ, शेक्स एंड मोहितोज मिल रहे हैं, वो तो दिन में लेने कोई फ़ायदा है नहीं, और मैं कोई शेक और मोहितो नहीं पी रहा, मैं पी रहा हूँ लस्सी, क्योंकि लस्सी बेस्ट होती है यार। ठीक है, हम करते हैं गाड़ी में चलते हैं, और ये पंकज को मेरी कॉल करके पूछते हैं कि कहाँ पहुँचा है, उसको मेरे ख्याल 2 बजे पहुँच जाना था, तो इट्स ऑलमोस्ट 2, तो मैं बात करके देखते हैं क्या पता पहुँच गया हूँ, और उसको लेने जाना पड़ा तो फिर लेने चले जाएंगे। कहाँ पहुँच गया? हेलो, वेरी गुड। तो कैसे आएगा? तो वो सारे हैं दोस्त तेरे साथ अभी? ओके, कितना टाइम लगेगा आने में? आएंगे जैसे गए थे सर। कितना टाइम? सवा दो की मान लो कैब करते हैं, सवा दो पौने 3 तो बज जाएंगे। हाँ मतलब 3 बजे तक तो आ जाएगा ना आराम से। हाँ 3 बजे तक तो मैक्सिमम आ जाऊंगा। हेलो, वेरी गुड, आ जा। और एक और चीज़ मैंने पंकज के लिए, एक मैंने गिफ्ट ऑर्डर नहीं किया था, मैं इसके लिए गिफ्ट लेके आया था, बट मुझे उसका यू नो टी शर्ट का साइज़ नहीं पता था, तो मैं वो थोड़ी छोटी ले आया था। मैंने फिर उसको जिससे लिया था ना, उसको मैंने कॉल किया, मैंने भाई एक काम कर, मुझे एक ना इसका बड़े वाला साइज़ वो पोर्टर से भिजवा दे, तो शायद वो भी आने वाला होगा या आ गया होगा, आई डोंट नो, क्योंकि उसने बोला था कि मैं निकाल दूंगा, तो भी उस बात को 2 घंटे हो गए, अगर आना होता तो मेरे ख्याल से 1.25 घंटे में आ जाता, वो भी आ जाएगा। एंड आई होप पंकज को टी शर्ट अच्छी लगेगी, उसने मुझे बोला था कि मुझे ऐसी वाली टी शर्ट चाहिए। अगेन काउ ऑन दी रोड भाई, ये ना गाय का मैं कुछ नहीं कर सकता, गाय सड़क पे रहेगी रहेगी। याद दी प्रसाद आ गई क्या? लो भी अखरोटा वाला प्रसाद, जय माता दी, फड़ो इनू वंड दो। कहाँ जा रहा है यार? मुझे ना एक दोस्त बड़े मुश्किल से मिला था, ड्राइव करके जाएगा गाड़ी रुड़की। ये तो अभी कहाँ रुड़की निकल रहा है? बिल्कुल अभी। थैंक यू। कितना हो गया तुम्हारा? ये ना कलेक्शन में लेके आया था, और ये हो गई थी स्मॉल, स्मॉल नहीं मतलब मीडियम मंगाई थी, और ये लार्ज।
पोर्टर से दोबारा मंगाई मैंने, दो दिन अलग तरीके की भी ढूंढ रहा था लेकिन वो वैसी वाली नहीं मिली, तो मेरे को जो मिली मुझे लगा जो सबसे अच्छी लग रही है ये मंगा लेते हैं। साइज एक बार जरा पहन के ट्राई तो कर, आ भी रही कि नहीं आ रही बेटे? ड्रॉप शोल्डर बोलते हैं सर। हाँ मेरे मतलब जो महाले के कहता भी ऐसा वो भी ऐसे ड्रॉप शोल्डर। वो तो दूसरा बंदा पार्किंग में हाँ कह रहा कब लगाएगा का थर्सडे रात को, कह रहा थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे चार दिन हो गए भैया, थर्सडे से फ्राइडे एक दिन, फ्राइडे सैटरडे वो तीन दिन होने में, शाम को अभी समय बचा, कह रहा अच्छा हाँ भैया ठीक है। अच्छा ये गाड़ी यहाँ लगा दी ना इसने यार, ये गाड़ी का पता नहीं क्या पंगा है। नहीं ये एक्चुअली गाड़ी चलाती है कोई लड़की चलाती है, उसको ना फिर यू टर्न शायद करना नहीं आता होगा तो वो यहाँ लगा जाती है। शाम को आपने कब जाना? हम जाएंगे 5:30, मतलब 5:30-6 बजे निकलेंगे। हाँ साकेत रहता है जी के, चलिए बाय, मिलते हैं फिर, सी यू, ड्राइव सेफ, बाय बाय, सी यू सून, यू सी द मून अगेन टू लाइफ, सी यू, टेक केयर। इस बार मैंने कुछ नए प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं, ग्लाइको सीरम है। हाँ। अरे सीरम है, सीरम नहीं है, सीरम वाली क्रीम है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। अच्छा मॉइस्चराइजर है, और क्या है मेरे लिए? क्या है इसमें? इसमें सारी चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हो, फेस जेल, पोर मिनिमाइजर है, फेस जेल है, और ये क्या है, स्लीपिंग मास्क, ये क्या लगा के सो जाए? ये रात का है, नाइट क्रीम जैसे होती है वो। ओह कूल, और ये क्या है? ये दोनों फ्री है, दीज आर द टू प्रोडक्ट्स व्हिच वी आई चेक आउट। नहीं फ्री तो है लेकिन है क्या, सनस्क्रीन है, सीरम और ये हमारा फेस वॉश। अच्छा मतलब ये तीन खरीदे तो ये दो तीन चीजें फ्री मिल जाएंगी। हां जिसमें सैंडलवुड आयरोनिक एसिड है। ये बढ़िया। अच्छा खोलो तो सही, देखो से कितना बड़ा प्रोडक्ट है, छोटे छोटे तो नहीं आ रहे। तो एक बात बताओ इसमें पहले दूसरे तीसरे नंबर कौन कौन सा लगाना होता है, पहले कौन सा लगाना होता है? देखो ये सीरम वाली ग्लाइको बूस्ट वाली सुबह लगाओ ठीक है, फिर उसके बाद जब ऑफिस से आते हो फेस एक बार धोते हो तो एक बार ये वाली लगा लो मिनिमाइजिंग पोर वाली ठीक है, और फिर रात को सोते वक्त ये नाइट क्रीम, स्लीपिंग मास्क, नाइट क्रीम, इसको 1-2-3 लिख देना ठीक। ये कोई वो नहीं है क्या, पेड प्रमोशन नहीं है, ध्यान रखना। सब लोग पहले निकल चुके हैं जीके के लिए और हम जा रहे हैं आज अपने कजन के पास कुछ यू नो रात का डिनर पार्टी करने के लिए, खाना पीना और ये सब, एंड मी तो इज वेरी एक्साइटेड। यस ये रक्षाबंधन के बाद अब मिलेंगे तो आज होपफुली बहुत एंजॉय करेंगे सारे मिलके। मम्मी कर रही है योगा क्योंकि योगा से ही होगा। आज जो मीटअप है वो बेसिकली उसका अच्छी चीज़ ही यही है कि हम लोग आज कुछ ऑथेंटिक साउथ इंडियन कुछ खाएंगे क्योंकि हमारे कजन जो हैं उनमें से एक हमारे साउथ के हैं और चेन्नई की है और वो उसकी मदर आई हुई हैं, तो उनकी मदर जो है वो हमारे लिए बहुत ही प्यार से कुछ कुक कर रही हैं। आए पंजाबी खाने का की होना मम्मी, मैंने तो पंजाबी चाहिए सी, कुकड़ पुकड़ यार ये सारे ना मतलब कह रहे हैं कुछ भी खिला दो दाल चावल खा लेंगे, लेकिन देखो वीकेंड है कल ऑफिस भी जाना है, बहुत ज्यादा काम है तो आज थोड़ी सी एनर्जी गेन करनी है हम लोगों को, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे, तो फटाफट से पहुंच जाते हैं। मैं इधर रखती हूं तो शालिन को शालिन का गिफ्ट है। तो ये आवाज अचानक कम क्यों हो गई? क्योंकि मैं शाय हूं यार, इनकी आवाजें पता नहीं कम क्यों हो जाती हैं। मेरी भी ऐसी, मैं कैमरा शाय हूं, मैं अच्छी नहीं लग रही हूं। आज चलेगा ये, आज चलेगा। वाओ नीला पानी, पर्सन बिहाइंड दिस प्लान। नो आई एम नॉट अ पर्सन, पर्सन बिहाइंड द प्लान इज ही। व्हाट? यस आई लव साउथ। तुमने ज्यादा जोर देगी नहीं बोल दे मैं बहुत जनी, ये सब तुमने बनाया? पर तुमने कैसे बनाया ये मतलब? So it's like a traditional art where first you draw the painting, then you have एक mix होता है POP का। हाँ POP। POP with plaster of Paris। Plaster of Paris kind, उसी का एक plaster of Paris is mixed with what is called, it's called Araby gum। Okay। It's actually a natural gum। So it's mixed with that and ये बहुत ही different है। Cementish texture। बहुत ही different है, बहुत सुंदर भी है। तो फिर हम उसी का art है। Like उसको फ्लो करके वो क्योंकि वो फैल जाता है तो बहुत पेशेंस का काम है वो, उसको संभाल के करना पड़ता है। तो मैं बचपन में बहुत गुस्सा होती थी तो मेरी मम्मी ने कहा कि ये करो इस बार गुस्सा शांत हो जाएगा, लगता है 8-9 घंटे लगता है प्रेजेंटेशन के लिए। वाओ, तो आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 5। तो अभी तुम ठीक हो? अभी मैं आई थिंक आपको शालिन से पूछना पड़ेगा। वी आर सेजिटेरियस, वी आर यू आर सेजिटेरियस, ओह माय गॉड, सेम कॉम्बिनेशन।
तो तुम्हें आज पता लगा? हमारा लास्ट टाइम यही डिस्कशन हुआ था, ये कॉम्बिनेशन सेम है। मतलब कैसे कैसे झेल रहे हो हमें? और हम लिब्रल्स कितने फन लविंग और अच्छे होते हैं, हम सैजिटेरियंस की वजह से ऐसे हो जाते हैं। शिट, बंद करो बंद करो। बढ़िया, अच्छा है यार, ओवरऑल दिस लाइक लुकिंग गुड। और ये शालिन का कलेक्शन है, कलेक्शन अच्छा लग रहा है, ये इसको शौक है। और शालिन को क्रिकेट का भी बहुत ज्यादा शौक है। आप नींबू डालते हैं? हाँ डाल सकते हैं, मतलब मैं तो डाल के अच्छे से, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने ही शुरू करवाया था। अच्छा, और क्या है? मैंने शुरू करवाया लेमन वाला, बियर में लेमन ऐड करना या स्कॉच में लेमन ऐड करना, इट्स लाइक एब्सोल्युटली गुड, बट अच्छा। बारिश में चल गया था ऊपर ना, शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट। यहाँ पे कुछ मेरे ख्याल विंडो का वो नहीं है, मतलब इसलिए थोड़ा सा गर्म है ना, थोड़ा वो भी रहता है। बड़े अच्छा है, दिस गुड। ये जलेगा क्या? अभी जलेगा, ये जल चुका है उस दिन। ये उस दिन जल चुका, ये उस दिन जल चुका, तो दो बार नहीं जलेगा। दिस इज माय श्रेय क्रिकेट किट, दिस हैज फ्रेश, पता मुझे गोज़ हम लोगे देख। ओ भैया, दिस हैज थ्री बैट्स, ये डीएससी है, गुड। एंड दिस हैज साइन बाय By my father. Oh wow. अच्छा gifted है? Yeah. और ये भी? ये भी. Wow, bombastic. अच्छा 15 से क्या अच्छा date is also mentioned हाँ? ये तो अभी मिला latest से, ये 24. दोनों वही है. और ये भी 24 है? दोनों 24. 15 से 24. Oh that's good. Today my match was in NCR Sports, Noida. God City के पास है ground. वहाँ पे हुआ, it was with a corporate team. बोले तो मतलब जैसे यू आर एन एडवोकेट, राइट? एडवोकेट ना, राइट? तो दूसरी टीम है वो भी एडवोकेट की टीम? नॉट नेसेसरी, वो डिपेंड्स, आप ग्राउंड बुक करते हैं तो उसमें ऑपोजिट टीम एक अरेंज होती है, एक आपकी टीम। क्योंकि अभी हमने रिसेंटली ऑल इंडिया एडवोकेट्स खेला था पुणे में, वी वन सुप्रीम कोर्ट, वन दैट टूर्नामेंट। वाह दैट्स कूल, दैट्स कूल। और ये मुझे कलेक्शन बड़ी अच्छी लग रही है। सो बैटमैन इज माय फेवरेट सुपर हीरो, डीसी का, डीसी इज माय फेवरेट, आई एम नॉट अ मार्वल फैन। वाओ, सो दिस इज बैटमैन, दिस इज रॉबिन, this is of course super, my favorite is superman. ye sare cheeze maine texas se li thi because they were you know originally dc to, this thing that I got, and then this is batmobile. oh ye to batman ki car hai, batmobile ka scaled version. oh that is why isko maine nikala nahi hai because it is haan isko more than special to me, isliye sahi baat hai. aur ye kya hai? this is a batman soap, the soap hai, obviously you will not use it. batman scented soap hai ye. Oh, I have original Batmobile also. I should show you. This oh boy, that's awesome. Oh, Batman is sleeping inside it, huh? Original Batmobile. Shit, man. वो बचपन में Hot Wheels, Hot Wheels देखते थे। Hot Wheels का set था। मैंने भी सिया को उस बार gift किया एक Hot Wheels का। तो she was like, Mama, I need a whole set. बढ़िया, अच्छा है। Cool यार, पता है ये सब चीजें करके ना बड़ा मतलब excitement सा बना रहा है। Yeah, this makes you feel that you are still relatable. And you are alive. Yeah, you are alive. Where's our beer mug, man? Beer is up. Cheers to cricket and Batman. Cheers to cricket and our. Cheers, cheers, Andy. तो Andy को मैं मतलब Andy को शायद पता नहीं होगा, Andy, I do some you know crap vlogging, so I love shooting you know videos and creating memories. So Jenny, I would compliment you for you know creating all these things. These are actually you know very ये art है, ये hobby है, ये art है, और इनका जो art है वो cricket है. But ये actually में बहुत important art है, and hats off to you for this. So you covered two of my most favorite thing. One is cricket and one is my career. And what about me? Yes, you are. Well? You are beyond favorite. You're already covered. तुमने जले हुए वो नहीं जले हुए खत्म हो गए? किसने खा लिए? सारे जले हुए खा गए. Don't tell me. ये है ना, ये मैं लेके जाऊंगा, ये मैं तीन बचा के रखना.